करवा सकते हैं जिसमें आप अपना इंटरव्यू स्ट्रेटेजी शेयर कर पाओ एंड दैट्स वेयर वी आर सो वेलकम ऋतिक एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग दिस पॉडकास्ट रिक्वेस्ट मैन थैंक्स श्रियांश थैंक्स फॉर वेलकमिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट दिस इज माय वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट सो थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी थैंक यू एंड गाइस आई विल बी डूइंग दिस इन हिंदी एज लाइक इट्स अ रिक्वेस्ट दैट फॉर दिसू कंपनी जो अब आप ज्वाइन करोगे तो पहले सबसे पहले मेरे लिए और सबके लिए आप अपना थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि आप एक्सपीरियंस क्या है कौन सी कंपनी में थे क्या टेक स्टैक था तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए ताकि वी कैन कनेक्ट विथ यू मोर सो मेरे को अराउंड टू प्लस ईयर एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर uh, इंडस्ट्री में और बेसिकली मैंने जावा बैक एंड साइड पर ही वर्क किया है सो माय फर्स्ट कंपनी वाज मैप इंडिया जहां पर मैंने अराउंड हाफ ईयर हाफ फाइव सिक्स मंथ्स काम किया उसके बाद I got offer from Accenture, so मैंने and वहां मैंने उधर करा पर काम किया ऑन द बैक इट साल अपना Java पे ही काम हो रहा। so, उस... पास हो आप हाँ, 2021 पास आउट हुआ हाँ ट्वेंटी ट्वेंटी अच्छा ठीक है तो दो साल छह महीने मैप माइ इंडिया और डेढ़ साल एसेंचर है हाँ uh हाँ -huh. so, and और ये अभी आप कौन सी कंपनी आ यूअर प्लानिंग तू ज्वाइन विथ एटी परसेंट हाइकमैन व्हाट आह इट्स ऑर्थ ब्रिज ऑर्थ ब्रिज आह या सिन गोड़गांव अच्छा बिल्कुल नाइस मैन सर कंग्रेजलेशन फॉर दिस स्विच फ्रॉम सर्विस बेस एंड टू प्रोडक्ट बेस सो दिस ऑर्थ ब्रिज इज अ प्रोडक्ट बेस कंपन

हाँ तो मेरा सीन ये था कि मैं वन पॉइंट फाइव ईयर हो चुके थे तो तभी से मेरा दिमाग में था कि यार कंपनी थोड़ा स्विच करते हैं अब एक्सेंचर में में मतलब थोड़ा सही, सही में थोड़ा सही कंपनी जाते हैं हैं पैकेज बढ़ा लेते तो वो करके अपन ने सोचा कि चलो डेढ़ साल हो गया अब शिफ्ट करते हैं तो उस टाइम उस अपना वो स्कूल कॉलेज टाइम वाला रिज्यूम था अपना अच्छा? तो उसमें थोड़ा थोड़ा मोडिफिकेशन करके मैं अप्लाई कर रहा था तो वहां से कुछ हो नहीं रहा था तो फिर मतलब थोड़ा ऐसे प्रिपरेशन भी चालू थी मेरा बेसिकली

थोड़ा असलियत का पता चला कि हाँ भाई थोड़ा पढ़ना पड़ेगा अच्छे से थोड़ी और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अच्छे से और ऊपर से फिर वो रिज्यूमे जो मेरा था पुराना वाला उससे कुछ हो नहीं रहा था एक्चुअली मैं तीन महीने अप्लाई करता रहा अप्लाई करता रहा वो एक दो मतलब हार्डली दो इंटरव्यूज दिए मैंने उस रिज्यूमे अच्छा। के साथ तो फिर मेरे दोस्त ने मेरा एक दोस्त है एडोबी में तो उसने मेरे को अपना टेम्पलेट दिया कि भाई ये देख मेरा टेम्पलेट है इसको रेफरेंस में लेके तू अपना रिज्यूमे बना तो फिर मैंने उसको रेफरेंस में लेके अपना रिज्यूमे उसके हिसाब से बनाया एंड फिर वहां से थोड़ा मैजिक सा स्टार्ट हुआ की फिर मुझे पता चला हाँ, रिज्यूमे कितना ज्यादा मैटर करता है रिज्यूमे का रिज्यूमे का का फॉर्मेटिंग सब कैसे रिप्रेजेंट अपनी स्किल्स को वो कितना मैटर करता है तो फिर वहां से मैंने वो रिज्यूमे पकड़ा फिर थोड़ा रिज्यूमे का तो मामला हो गया शॉर्ट शॉर्ट बट अपनी अब स्किल्स पे आया कि भाई ठीक है अब थोड़ा स्किल्स पे काम करते हैं

और तब जाके मेरे मतलब जब ऐसे एक कॉन्फिडेंस आया कि ये पहले तो फेक कॉन्फिडेंस था अब थोड़ा असली वाला कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई अब तो हो जाएगा बट ये भी थोड़ा नहीं था क्योंकि जब इंटरव्यू में बैठते हैं तो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि थोड़ा चलता ही नहीं है दिमाग की यार ये याद है कुछ कुछ तो है ऐसे इस पर काम भी किया है तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जिनके मैं जवाब नहीं दे पा रहा था तो मैंने क्या किया मैंने उन्हें नोट डाउन करना स्टार्ट कर दिया कि जो जो जवाब दे जा रहा हूँ वो भी नोट कर रहा हूँ जस्ट जैसे इंटरव्यू खत्म हुआ मैं तुरंत कॉपी लेके बैठा ये लिखा है जो जवाब दिए वो भी लिखा जो नहीं दिए वो भी लिखे और फिर मैं देखा कि ये क्यों नहीं क्यों नहीं जवाब दे पाया मैं फिर मैंने उसे थोड़ा सा थोड़ा और उसी टॉपिक को थोड़ा और घिसना स्टार्ट किया ठीक कि है इसके अंदर और घुसते हैं जैसे मल्टी थ्रेडिंग वगैरह

आदित्य वर्मा उनका मैंने, आ, उनक, उनके, सारे वीडियोस देखा, उनके और ऐसे से बता रहे हैं तो इंटरव्यू को तो ऐसे इंप्रेस कर देते थे वो दो डी एस से क्वेश्चन फेंकता था हम चार अप्रोच से बता देते थे तो वो तो वहीं इंप्रेस हो जाता था उसके अलावा कंपनी किस पे फोकस करती है अपना डेटाबेस पे तो वगैरह माई वगैरह पढ़ा सॉरी अच्छा। और उसको थोड़ा अच्छे से ब्रश अप की अपनी स्किल्स, मैं, मतलब, मैंने दो तीन यूट्यूबर्स को फॉलो किया अभी मैं उनके नाम तो नहीं जानता क्योंकि अपन फोकस ज्यादा कंटेंट पे देते हैं ठीक है अच्छा। तो वो मैंने उसका थोड़ा पढ़ा, पढ़ा तो उसके बाद मेरे को हुआ इंटरव्यू पहले क्या था ना जब मेरे स्टार्टिंग हो रहा था तो पहले पहले इंटरव्यू में ही मैं निकल जा था। मैंने इंटरव्यू इंटरव्यू दिए मेरा पहला में में फर्स्ट राउंड ही मतलब हो करवा के आ रहे, वो वाला अच्छा। तो मैंने कोई नहीं फिर लगा कि यार अब क्या किया जाए तो फिर मैंने डाल दिया रेजिग्नेशन अच्छा रेजिग्नेशन डाल दिया हाँ मैंने डाल दिया रेजिग्नेशन की यार अब मतलब थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी थी पुरानी तो फिर मैंने रेजिग्नेशन डाल दिया और फिर मैंने अपनी मतलब प्रिपरेशन चालू रखी थोड़ा नोटिस पीरियड में सबका वर्कलोड मेरा बढ़ गया था हाँ, तो उस चक्कर में थोड़ा ब्रेक लग गया बीच बीच मतलब बहुत स्लो डाउन होगी प्रिपरेशन बट जैसे ही मेरा नोटिस पीरियड खत्म हुआ और सब मैं बेरोजगारी का दौर स्टार्ट हुआ तो फिर दोबारा से अपना लगे काम पे और फिर ये, ये स्टेप अच्छे बहुत से बहुत बड़ा बट था प्रॉब्लम ये, ये थी ये स्टेप बहुत बड़ा था कि जॉब छोड़ के प्रिपरेशन करना क्योंकि <laughs> कभी कभार के टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है कि तीन महीने चार महीने ना और वहां पे हाँ हाँ हा। और प्रेशर आ जाता है कि भाई खर्चा है देखो एक्सपेंसेस पर्सनल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं इस टाइम पे और फैमिली को भी सपोर्ट करना होता है कभी ठीक है और छोड़ के महीने अगर चार महीने लग जाते हैं नहीं। नहीं। लगते हैं विल गेट नो कि आपको कितना टाइम लगा बट बहुत बोल्ड डिसीजन था तो बहुत बोल्ड डिसीजन लिया तो डिस्कस किया था से अपने ले ले में को नो, नो उसने रेजिग्नेशन डाल दिया बिना जॉब के और उसका मतलब उसने तीन महीने घिसा ठीक है और वो एक अच्छे स्टार्टअप में घुस गया और है। उसका भी पैकेज काफी अच्छा अच्छा हाइक ले लिया तो मैं उससे इंस्पायर हो गया कि अगर अपना भाई सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते मेरा भी ये सीन था कि उसने जब मेरे फ्रेंड ने करा था टाइम थोड़ा रिसेशन इतने पीक पे नहीं था बट मेरे टाइम पे मैंने थोड़ा रहा मेरी थोड़ी गलतियां मगर ठीक है अब मेरे को लगता है कि डिसीजन ठीक था बट उस टाइम थोड़ा रिसेशन भी था अच्छा खासा जब मैंने अभी दो तीन महीने की तो बात है पहले की अच्छा। तो मैं तो मतलब रिसेशन भी पीक पे था तो जब मेरे को कॉल्स भी नहीं आ रही थी मेरे को अलग से डर था कि यार डिसीजन में गड़बड़ हो गया भाई कुछ तो कर दिया है गड़, गलत कर दिया है तो मेरे को नौकरी के नौकरी का प्रीमियम मैंने लिया बट नौकरी के प्रीमियम से भी मेरे को कुछ कॉल्स वगैरह आ नहीं रहे थे तो मैंने थोड़े ट्रिक्स लगाने स्टार्ट किए मैंने क्या किया लिंक का प्रीमियम अकाउंट लिया और लिंक्डइन इन जॉब जैसे प्रीमियम ले लेते हैं ना तो जॉब्स थोड़ी एक्स्ट्रा दिखने लगती है थोड़ी इंटरनल ओ, पोस्ट जो होती है ना वो दिखने लगती है ठीक है नॉर्मल अगर किसी के पास लिंक्डइन का अकाउंट नहीं है तो उसको थोड़ी कम ओपनिंग दिखती है बट अगर थोड़ा है तो थोड़ा तो फर्क दिखता है मतलब ए, दो तीन परसेंट का ही मान लो बट फर्क दिखता है ठीक है, थीक है? तो मैंने क्या किया कि अपने पास दो ऑप्शन आते कि ओपनिंग निकली एक या तो अप्लाई अप्लाई पे क्लिक करके आता है वर्क डे से कुछ फर्क नहीं पड़ता है वो उनके डेटाबेस में चला जाता है और तुम्हारी तरह हजारों बंदे उसमें अप्लाई कर रहे हैं तो चांसेस बहुत रेयर होते हैं ठीक है और ऐसे ही ईजी अप्लाई तो पता नहीं क्यों बना रखा है लिंक वालों ने उससे कुछ होता भी या नहीं होता है मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ है तो, तो उस मैंने सीधा एच को रीच आउट करना स्टार्ट किया कि जिसने जॉब पोस्ट करी उसको रीच आउट करो और अगर किसी भी का तुम करोगे अकाउंट, तो अपनी शेयर हाँ मतलब आप क्या करोगे ना किसी के अकाउंट पे जाओगे एच के और उसके पोस्ट या एक्टिविटीज देखोगे तो उसमें ए, अगर थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा नीचे नीचे जाओगे या ऊपर मिल जाती है ईमेल आईडी पोस्ट वगैरह करे, करे रखते हैं चार मोस्टली है, है, तो मैं वहां पर डायरेक्ट उनको अपना एक टेम्पलेट था मेरा मैं उस टेम्पलेट को पकड़ के सेम बस अपडेट क्या किया अपना जॉब जॉब पोस्ट अपडेट किया नाम अपडेट किया और भेज दिया तो मैं ऐसे ऐसे मैंने भेजा मैंने मेन मेन फोकस मेरा जावा डेवलपर पे ही था तो मैं उसके हिसाब से अपना फिल्टर लगाता था ठीक है तो ऐसे किया मैंने और अगर सपोज करो कि किसी नहीं दिखता कहीं कहीं पे कि किस बंदे ने पोस्ट करी है तो सपोज करो कि बैंगलोर एक एक्स कंपनी है बैंगलोर की लोकेशन के लिए वो हायर कर रहा है तो मैं उस कंपनी पे जाके उसके उस कंपनी के पेज पे जाके पीपल सेक्शन में जाके बैंगलोर पे पहले फिल्टर लगाया और फिर एच ह्यूमन रिसोर्सिस पे फिल्टर लगाया तो फिर वो सारे जो पंद्रह बीस एचआर है उसमें देख लेता था मतलब देखो अप्लाई करने में टाइम तो जा रहा था कि दिन का दो तीन घंटा बैठ के अप्लाई करना था अच्छा। बट कॉल्स भी अच्छी खासी आ रही थी उससे ये भी मानने वाली बात है कन्वर्शन रेशियो काफी बेटर रहा उससे हाँ 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 हा। तो दो चीज मेरे को अभी तक पूछनी है आपसे पहला चीज जो आपने रिज्यूमे का जो टेम्पलेट है ना क्या वो टेम्पलेट mm -hmm. आप मतलब कैन यू फेक सर्टेन डाटा कि भाई आपका जो पर्सनल डाटा है लाइक फोन नंबर ईमेल आईडी ठीक है और जो भी आपको लगता mm -hmm. है आपको तो थोड़ा सा फेक करके लाइक अ डमी डाटा आप वो टेम्पलेट शेयर mm -hmm. कर सकते हो लाइक मे बी आई विल पुट हाँ इट हाँ मैं बिल्कुल आई विल पुट इट इनटू द डिस्क्रिप्शन सेक्शन कि वो हुँ हुँ. सेम सिमिलरली अगर हो सकता है कि अदर इंजीनियर कैन आल्सो गेट बेनिफिट विद दैट टेम्पलेट ठीक है वो टेम्पलेट अच्छा हुँ. लगे दूसरा जो लिंक्डइन पे आप जो मैसेज का टेम्पलेट भेज रहे हैं ना यू कैन टेम्पलेट भी हाँ. Uh, दे सकते हो कि एक स्क्रीनशॉट आई विल इट तो इट विल गिव सर्टेन कि भाई क्या डिफरेंट कर सकता है

एक महीना महीने में सब घोट घोट लेता इंसान प्रैक्टिकल अप्रोच आनी चाहिए ऐसा नहीं कि थियोर आ जाए पूरा प्रैक्टिकल करके बैठो तो जावा के साथ आपसे स्प्रिंग बूट नहीं पूछा गया हाँ नहीं अरे वो तो बहुत, बहुत मैं जावा में ही मैंने इंक्लूड कर दिया हाँ स्प्रिंग बूट बहुत पूछा गया

so that engineers can reach out to you and uh, anybody anything wanted to discuss with you they can discuss yeah, yeah, yeah. sure sure i will def i will share you just after this call now nah. cool man thanks a lot thanks a lot for again accepting this invitation man thank you <laughs>